हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकास टेक्निकल लाइजर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस मिनी इन्वर्टर पे होने वाली है। दोस्तों, ये आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाएगा 300 रुपीज, 300 रुपए के अंदर। ठीक है, अगर आप इसे तैयार करना चाहते हैं, सेल करके बेचना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। इसका सभी पार्ट्स आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, प्लस इस इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है, ये क्या क्या चला सकता है। अगर आपको छोटा यूज करना चाहते हैं, शॉप के लिए यूज करना चाहते हैं, या फिर अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो चला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ये काम कर सकता है। ठीक है, प्लस से ओपन करके भी, खोल करके भी दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, और लाइक। तो दोस्तों, इन्वर्टर देख सकते हैं किस तरीके का इन्वर्टर है। ठीक है, और इसमें अगर कनेक्शन हमें करने हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस के सिंबल दिए हैं, और ये कोई कंपनी का इन्वर्टर नहीं, हाथ से बनाया गया इन्वर्टर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे 12 वोल्ट की कोई भी, जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर उसकी कैपेसिटी होगी, मतलब अगर उसकी अच्छी कैपेसिटी है तो अच्छा बैकअप आएगा, अगर कम कैपेसिटी है, कम एम्पियर की है वो, तो कम बैकअप आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये इसका माइनस है और ये प्लस है बैटरी का। हमने इन्वर्टर वाली बैटरी सही कनेक्ट किया है, तो देख सकते हैं 11.43 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट के लगभग आ रहे हैं। तो सबसे पहले से कर लेते हैं कनेक्ट। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है यहाँ से, और यहाँ पे मेन लाइन का एक मेन स्विच है, तो स्विच को ऑन करते ही ये चालू हो चुका है, मेन लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो कनेक्शन करके आपको चालू करके दिखाएंगे, कोई बल्ब से स्टार्टिंग हम करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये एक वोल्ट मीटर है, जो कि मैं इसमें पीछे सॉकेट में यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ, और दिखाऊंगा आपको कि कितनी वोल्ट ये दे रहा है, कितने वोल्ट ये निकाल रहा है एसी के। ये एसी का सॉकेट है। तो देखिए, लाइट ऑफ कर दिया, 244 वोल्ट ये निकाल रहा है, 245 वोल्ट निकाल रहा है, मतलब 250 वोल्ट के लगभग ये निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एक होल्डर है, इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दिया कनेक्ट। उसके बाद देखिए, आपका एलईडी बल्ब भी इजीली चालू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं 100 वाट का बल्ब आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, 100 वाट का बल्ब भी ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों, अब हमने कनेक्ट कर रखा है इसमें एक सोल्डरिंग आयरन, जो 25 वाट का है, देख सकते हैं 25 वाट सोल्डरिंग आयरन है, ये यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और ये गर्म हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं ये इजीली सोल्ड कर देगा, ये देखिए, तो ये इजीली काम कर देगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम इसको, अब हमने आपको तीन आइटम चला के दिखा दिए हैं। इसमें एक एलईडी बल्ब को लगा सकते हैं, ये वाला कांच का 100 वाट का बल्ब, और 100 वाट तक का आइटम उठा देगा। एलईडी बल्ब की बात यह है, ये 100 वाट का है, ये 9 वाट का बल्ब है, तो ये जो है 100 वाट तक का लोड उठा देगा आराम से, 7 से 8 बल्ब एक साथ ही जला देगा 9 वाट। तो दोस्तों, चलिए इसको कर लेते हैं ओपन एक बार जल्दी से। तो दोस्तों, सभी पैंच ओपन हो चुके हैं। तो अब देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है वो खुल चुका है। तो देख सकते हैं इस तरीके का इसमें मैकेनिज्म फिट किया गया है। ये इन्वर्टर किट इसमें फिट की गई है, एक प्लेट इन्वर्टर की, ठीक है, छोटे वाली। ठीक है, और उसके साथ एक ये ट्रांसफार्मर 1.5 इंची के लगभग का, ठीक है, ये फिट किया गया है। सॉकेट है, इस तरीके का आइटम ये फिट किया गया है, और इसी से काम करता है। काम ये अभी इस तरीके से करता है, जो भी ट्रांसफार्मर है इसमें, तो जो भी आइटम है, एलईडी बल्ब हो गया, सोल्डिंग आयरन है, एलईडी टीवी है, जिस आइटम में ट्रांसफार्मर नहीं होगा उसको ये अच्छे से चला देगा। एलईडी टीवी हो गया, ये नॉर्मल टीवी हो गया कलर वाला, ठीक है दोस्तों, तो डिश हो गया, सेट टॉप बॉक्स वगैरह, ठीक है, फ्री वाला डिश हो गया, और किराए वाला, मतलब उन्हें अच्छे से ये चला देगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अदरवाइज हम ट्रांसफार्मर वाला आइटम चलाएंगे या फिर कोई पंखा चलाएंगे तो उसको ये नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो हम नॉर्मली यूज के लिए इसे यूज कर सकते हैं, शॉप पे रख सकते हैं, या अपना छोटा मोटा काम सोल्डिंग आयरन का हो गया, या घर की लाइट होगी वो इससे जला सकते हैं इजीली। दोस्तों, जो इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की गई है एल्युमिनियम में की गई है, देखिए इसी हिसाब से कॉस्ट इसकी बनाई है कि सस्ता पड़े ये, अगर कॉपर में करते हैं, कॉपर के रेट काफ़ी हैवी हैं। ठीक है, प्लस इसके मार्केट में हमें तो यहाँ पे 6 महीने की गारंटी मिलती है,
ठीक है, आपके यहाँ का मैं कह नहीं सकता, आपके यहाँ 300 से 350 रुपये भी हो सकता है या 250 भी हो सकता है, ये तो एज पर लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। और दोस्तों ये बैटरी पे वर्क करेगा, ये चार्जिंग का काम नहीं करता है, बैटरी को चार्ज नहीं करता है, केवल ये DC का करंट लेके AC का करंट बनाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।